अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ सुबह का नाश्ता हो चुका है और आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको एक एक्स बनाना सिखाऊं। अरे बॉयफ्रेंड वाला एक्स नहीं, ये कागज़ का बना हुआ एक्स, क्योंकि आजकल इर्तगुल ड्रामे का जुनून बहुत ज़्यादा बच्चों में है। बाज़ारों में जाओ, जहाँ मार्केट्स में देखो भाई, यही लकड़ी के एक्स ही मिल रहे होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना कि आज हम पेपर में ही बनाएं और बच्चों को इंटरटेन करें। वैसे तो ये एक्स बनाना बहुत ही इजी था, जैसे कि आप वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देख ही रहे हो कि कितना इजीली हम इसको क्रिएट कर सकते हैं अपने घर के अंदर। बच्चों के लिए या स्कूल में कोई एक्टिविटीज़ हो तो हम वहाँ भी बना के ले जा सकते हैं। और कभी किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो उसको एक शौक होता है ना एक थीम रखने का, तो हम उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। यहाँ जी पे छल्ली वाले अंकल आ गए थे जो कि मुझसे मिस हो गए थे क्योंकि वो आगे गुजर गए थे। यही नुकसानात होते हैं ऊपर के घरों में, ऊपर से बुलाते रहो भाई, वो रुकते ही नहीं है। उसके बाद एक छोटी सी बच्ची से मैंने रिक्वेस्ट की कि अंकल को बुला दो, तो अंकल साहब वापस आए और उनसे मैंने छल्ली ली। अब पता नहीं आपकी ज़बान में छल्ली को क्या कहते हैं, हमारी ज़बान में तो यही कहते हैं। आपकी ज़बान में जो भी कहते हैं भाई समझ जाइएगा। ये 30 रुपए की छल्ली है जिसको आप देख रहे हैं, जो कि मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लग रही है, मतलब कि बहुत कच्ची सी अंदर से थी। अंकल ने भी इस पे भर भर के मसाले लगा दिए। मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा खट्टी होने वाली है। खैर मुझे बहुत ज्यादा खट्टी भी पसंद नहीं है, बस नॉर्मल हो तो बंदा खा सकता है, अच्छा लगता है। अरे ये क्या भाई, अंकल ने मुझे 20 रुपए दिए हैं, ऊपर लिखा हुआ तो 1000 रुपए, लेकिन ये तो 20 रुपए का नोट है। खैर ये दुनिया है जी, चलता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल 1000 का नोट समझकर।